क्लिक करता है या फिर वहाँ पे कुछ भी चीज़ सेलेक्ट करने की कोशिश करता है तो वो सेलेक्ट ना हो और ताकि वो कॉपी ना कर सके, यानी कि आपके कंटेंट को वो किसी और जगह लिख ना सके या फिर से वो कहीं दूसरी जगह ब्लॉगर या फिर किसी भी साइट पे यूज़ ना कर सके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट बहुत सारे लिखे हुए हैं लेकिन ना ही मैं इसको सेलेक्ट कर पा रहा हूँ और राइट क्लिक करने से भी इधर कॉपी का कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसको कैसे आप इनेबल कर सकते हैं ब्लॉगर में, तो इसके लिए बस सिंपल सा 3 वर्ड का एक कोड है, बस उसको ही आपको टाइप करना है। तो मैं यहाँ पे, मेरा दूसरा ब्लॉगर भी है, मैंने उसमें भी यही चीज़ को इनेबल कर रखा है, यहाँ पे भी देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि लिंक कॉपी नहीं होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अगर इसके इसके अगर हेडर यानी कि जो टाइटल है उस पर रख के मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कॉपी लिंक एड्रेस का ऑप्शन आ जाता है और आप लिंक को कॉपी कर सकते हैं, बट आप किसी भी टेक्स्ट को कॉपी नहीं कर सकते यहाँ से। तो इसे कैसे इनेबल करते हैं चलिए देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ब्लॉगर पे आना है और वहाँ से आपको थीम में जाना है। थीम के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे एडिट HTML का ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आपका HTML खुल जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे कहीं पे भी एक लेफ्ट क्लिक करना है और आपको कंट्रोल F प्रेस करना है। इससे क्या होगा, सर्च का ऑप्शन यहाँ पे आपको शो होने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या लिखना है, बॉडी और एक सेकेंड ब्रैकेट यहाँ पे देना है, बॉडी के साथ सेकेंड ब्रैकेट, और आपको एंटर हिट करके इसको सर्च करना है। तो यहाँ पे बहुत सारा आया है, आप देख सकते हैं कि इधर में बहुत सारे येलोस दिखा रहा है, यानी कि ये इन सारे पार्ट्स में ये जो कोड हमने सर्च किया वो है। तो आपको क्या करना है कि फिर से एंटर प्रेस करते जाना है, क्योंकि हमें वो बॉडी चाहिए जो जहाँ पे हमें ये कोड लिखना है। तो बॉडी तो ऐसे बहुत जगह लिखा हुआ है, तो मैं एंटर प्रेस करते जाता हूँ और ये जो सेकेंड वाला आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको बॉडी के साथ क्या होगा कि और ये सब लिखा होगा। जनरली ये आपको नॉर्मली जो ब्लॉगर का डिफ़ॉल्ट थीम है उसमें आपको 162 के आसपास में ये कोड मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 162 के आसपास में है। तो जहाँ पे बॉडी यहाँ से सिर्फ बॉडी लिखा है और उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट है, वो वाले सेक्शन को आपको खोज लेना है। और मिलने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ पर कोई भी एक लाइन के जस्ट नीचे आपको एक स्पेस बनाना है और वहाँ पे आपको क्या लिख देना है, यूज़र सेलेक्ट नोन, यानी कि आपको लिखना है यूज़र, फिर एक आपको डैश देना है, उसके बाद सेलेक्ट लिखना है। मैंने पहले से लिख रखा है, मैं फिर भी आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपको कॉलम देना है, उसके बाद आपको वहाँ पे नोन लिख देना है, नोन, उसके बाद सेमी कॉलन आपको दे देना है। तो आप, मैं ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है, वहाँ से आप इसे कॉपी करके डायरेक्टली आप इस बॉडी सेक्शन में आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसे सिंपली सेव कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको चेक करना है कि आपका कॉपी करने का ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।